हेलो दोस्तों, आज हम ऑल इंडिया कोटे की नीट 2021 की कट ऑफ हैं। थंबल पर आपने पढ़ लिया ही होगा, 100% वेरी लो कट ऑफ जाएगी। और ये क्यों कम जाएगी, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं क्यों है, कम जाएगी। इसके लिए चार फैक्टर डिसाइड करेंगे, फैक्टर डिसाइडिंग कट ऑफ क्या क्या है, वो चार फैक्टर जो फैक्टर डिसाइड करेंगे। नंबर वन, रिजर्वेशन पॉलिसी, आपने सभी ने देखा ही होगा, OBC WS EWS रिजर्वेशन पॉलिसी। नंबर टू, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ MBBS सीट्स इंक्रीज हुई है। और नंबर थ्री, पेपर डिफिकल्टी लेवल, आपने पहले देखा ही होगा बहुत सारी वीडियो में पेपर डिफिकल्टी बता रहे हैं। और नंबर फोर, मेन फैक्टर है 12th स्टूडेंट की स्टडी ड्यूरिंग कोविड के दौरान, 12th की स्टडी कैसी है। ज़्यादातर 12th के स्टूडेंट का पेपर रह गया है, छूट गया है टाइम की वजह से, पेपर मैनेज नहीं कर पाए, ज़्यादातर ड्रॉपर बच्चों के नंबर बन रहे हैं, वो भी कम ही। और ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स कट ऑफ विल बी लो, कितनी कम जाएगी वो हम बताते हैं। देखिए, नीट 2020 में कट ऑफ क्या थी वो देखते हैं पहले। नीट 2020 में जनरल 611, EWS 605, OBC 611, SC 508 और ST 408 थी। कितनी थी, जनरल की 611 थी। और नीट 2021 में क्या रहने वाली है, अब जनरल 575 प्लस, EWS 570 प्लस, OBC 565 प्लस, SC 475 प्लस, ST 450 प्लस, यही कट ऑफ रहने वाली है 100%। देख लेना, कुछ ही दिनों में नीट का रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट भी हो जाएंगी। तो इस वीडियो के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्या आप एलिजिबल हैं। यदि आप एलिजिबल हैं नीट की काउंसलिंग के लिए, तो आगे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसके लिए आप नीट की कट ऑफ देख सकते हैं। इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया है कि आपको कितने नंबर पर एडमिशन मिल सकता है। यदि आपके उतने नंबर हैं तो ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अदरवाइज आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए क्या क्या करना होता है। देखिए, यहाँ पे आपको चार स्टेप फॉलो करने होते हैं। नंबर वन, रजिस्ट्रेशन, आपको सबसे पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। नंबर टू, फीस पेमेंट, आपको काउंसलिंग के लिए फीस पेमेंट करना होता है। नंबर थ्री, चॉइस फिलिंग, तो नंबर थ्री पे आती है चॉइस फिलिंग, जिसमें आप जो आपको कॉलेज चाहिए उसके लिए आप चॉइस फिलिंग करते हैं। एंड लास्ट स्टेप है सीट अलॉटमेंट, यानी कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है उसमें जाके आपको सीट अलॉट करानी होती है, यानी कि एडमिशन लेना होता है। तो इस तरह से आपको ये चारों स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो इनकी हम बारी बारी बात करेंगे। तो देखिए, नीट के रिजल्ट आने के 7 से 8 दिन बाद MCC की वेबसाइट पर नीट की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में टाइप करना होता है www.mcc.nic.in। तो ये MCC की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए, आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, PG मेडिकल काउंसलिंग, UG मेडिकल काउंसलिंग एंड सुपर काउंसलिंग। आपको UG मेडिकल काउंसलिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने MCC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपके नीट के सभी प्रोसेस होंगे, यानी कि आपके काउंसलिंग के सारे प्रोसेस यहीं पे होंगे। और यहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल भी मिल जाएगा आपको, कॉलेज की डिटेल्स मिल जाएगी एंड सीट मैट्रिक्स भी मिल जाएगा। तो आपको ये सब चेक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होगा, एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा, कैंडिडेट नेम फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड सिक्योरिटी पिन, जो कि आपको नीचे दिया होगा, इसे आपको फिल कर देना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर एंड पासवर्ड फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद आपको अपना फीस पेमेंट करना होता है। तो किसके लिए कितनी फीस लगती है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो तरह की फीस पे करनी होती है। एक फीस आपकी होती है नॉन रिफंडेबल, यानी कि ऐसी फीस जो कि एक बार आप जमा कर देते हैं तो आपको वापस नहीं होती है, तो इसे हम कहते हैं नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। तो देखिए, इसमें भी आपकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए एंड एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो यदि आप ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 1000 रुपीज़ पे करनी होती है। और यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको 5000 रुपीज़ पे करने होते हैं। और यदि आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी से हैं, तो आपको 500 रुपये ऑल इंडिया के लिए एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 5000 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो ये सभी फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि आपको ये वापस नहीं की जाती है। अब आते हैं रिफंडेबल ट्यूशन फीस के ऊपर। तो देखिए, ये रिफंडेबल फीस होती है, यानी कि ये आपको वापस हो जाती है यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़।
15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जनरल कैटेगरी की फीस है 10,000 रुपीज़, जबकि डीम्ड कॉलेज के लिए फीस है आपकी 2 लाख रुपए। आपको 2 लाख रुपए जमा करने होते हैं। यदि आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपकी फीस में से ये कट जाते हैं, यदि आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो ये आपको वापस हो जाते हैं। SC ST OBC PWD के लिए फीस है ऑल इंडिया कोटा के लिए 5,000 एंड डीम यूनिवर्सिटीज के लिए 2 लाख। फीस पेमेंट के बाद थर्ड स्टेप होता है चॉइस फिलिंग। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इससे आपको बहुत ही सावधानी से फिल करना होता है। आपको देखना होता है कि आपको सबसे पहले कौन सा कॉलेज रखना है और उसके बाद कौन सा कॉलेज रखना है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें कई बार गलती हो जाती है और हमें कॉलेज मिलते मिलते रह जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको काउंसलिंग के लिए चाहिए होते हैं, इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रखने हैं। तो पहला है एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाय NTA। आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। रिजल्ट रैंक लेटर, आपके पास एक रिजल्ट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप अपना 10th का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 12th क्लास की मार्कशीट भी होनी चाहिए। और आपके पास 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होने चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे, बिल्कुल वैसे ही। और आपके पास प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जो कि आपको ऑनलाइन मिलेगा। जब आप काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है जो कि आपको कॉलेज में लेके जाना होता है। एंड इसके अलावा आपके पास एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड के रूप में आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी से हैं, उन्हें उनके पास SC ST का सर्टिफिकेट रखना है। जो OBC से हैं, उनके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो PH है, उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसलिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यदि आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। और इस अगली वीडियो में हम देखेंगे चॉइस फिलिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसमें हर साल कई सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है और कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, क्योंकि कई बार अच्छे मार्क्स होते हुए भी हमें कॉलेज नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको इसे अच्छे से देख लेना है। तो उस पर हम जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।